हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि, स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस हेडलाइन को समझते हैं। हमास कमांडर का ऑडियो लाइव फुटेज, गाजा हॉस्पिटल अटैक पर इजराइल ने पेश किए बेगुनाही के 5 सबूत। आप समझ रहे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इजराइल ने वो सबूत पेश कर दिए हैं जिससे वो ये कहना चाह रहा है कि जो गाजा के अंदर जो अली अरब हॉस्पिटल है उसके ऊपर जो अटैक हुआ था वो हमारे द्वारा नहीं हुआ था, वो हमास के मिस फायर के द्वारा हुआ था। और उन्होंने ऑडियो भी क्या किया है, लीक किया है, वीडियो भी उन्होंने दिखाया है। अल जजीरा ने भी इस वीडियो को सबसे पहले बताया था, जिसके बाद ये न्यूज़ खबर में आने लगी कि ये इजराइल ने हमला नहीं किया है, खुद हमास का मिस फायर है। और काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसे पेश की जिसकी वजह से ये समझ में आने लगा है कि ये खुद इजराइल ने नहीं किया है बल्कि ये हमास ने ही किया है, हमास की एक गलती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमास जब से युद्ध लड़ रहा है तब से वो लगातार कई मिसफायर वो करता है, उसके जो रॉकेट है सही जगह पे नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से वो जो रॉकेट है अपने ही लोगों पे हमला कर देते हैं, अपने ही लोगों पे घायल करते हैं। लेकिन इस बार क्या था दोस्तों, रॉकेट जो था वो काफ़ी भारी भरकम था और जिस हॉस्पिटल में वो गिरा रॉकेट आके, आपको जानकर हैरानी होगी उसके अंदर 500 मरीज थे और लगभग 3000 शरणार्थी थे जहाँ पर उन्होंने शरण लिया था। अब एक हॉस्पिटल के अंदर अगर इतने लोग होंगे और उसके ऊपर कोई बम गिरता है, नॉर्मल बम भी गिरेगा तो भी अगर वो छत टूटेगा, कुछ भी टूटेगा तो लोगों की मौत होना लाजमी था। तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा मिसफायर अगर होगा उन हॉस्पिटल पे गिरेगा तो लोग तो मरेंगे ही मरेंगे। तो इस वजह से पूरा मामला निकल गया है। अभी देखिए, अभी पूरी तरीके से क्या सच है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो चीज है, जो क्योंकि इजराइल ने अपने सबूत पेश किए, फिलिस्तीन को भी अपने सबूत पेश करने चाहिए थे, भैया इन्होंने किया, उनके पास कोई ऐसा फुटेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है। इनके पास तो ऑडियो भी है, इनके पास वीडियो भी है, इनके पास फुटेज है, न्यूज़ भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, खुद अल जजीरा भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है कि कैसे उनके जो रॉकेट हुए हैं वो मिस फायर हुए हैं। और यही पूरा मामला था दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि खुद जो इजराइल में आए, जो बाइडेन आए थे, उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की कि माहौल गर्म था, माहौल गर्म में क्या था, बाइडेन वहाँ पर उतरे और गर्म माहौल में ही उन्होंने माहौल को और गर्म किया। बाइडेन ने क्या किया, इजराइल को क्लीन चिट दे दिया, उन्होंने कहा आप सही हो, आपकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने भी उनको शायद फुटेज दिखाए होंगे क्योंकि इससे पहले जब इनके विदेश मंत्री आए थे तो खुद जो प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू, उन्होंने क्या किया था, फोटोज दिखाए थे, देखिए कैसे बच्चों को जलाया गया है, कैसे बच्चों को मारा गया है। तो यहां भी इन्होंने सबूत दिखाए होंगे, देखिए हमारा हमला नहीं है, ये उनका ही हमला है, उनसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती को हमारे ऊपर डालना चाह रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अटैक तो कर ही रहे हैं तो सारा इल्जाम हमारे ऊपर लाना चाहते हैं, पर हम ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि इजराइल ने क्या किया था, इजराइल ने दोस्तों यह किया था कि उन्होंने पर्चा बांट दिया था, ढेर सारा पर्चे गिरा दिए थे कि आप क्या करिए, जो फलस्तीन का एरिया है, ठीक है, जो गाजा पट्टी है उसको आप यहां से खाली करिए, सारे फलस्तीनियों को इन्होंने क्या किया था, पर्चे बांट दिए थे, पर्चे हेलीकॉप्टर से, प्लेन से गिरा के सबको कर दिया था। अब जब वहां के जो लोग हैं, आप समझिए, जब ये बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, जब ये बाहर जाना चाहते हैं, अगर जो आम जन है वो बाहर निकल जाएगी तो सिर्फ आतंकवादी बचेंगे, लेकिन जब ये बाहर जाना चाहते हैं तो यहां से क्या है, इस रास्ते से जो जहां से बाहर निकलने का रास्ता है वहां से क्या है, इन आतंकवादियों ने घेरा बना लिया है और उनको ये बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं और उन्हीं के आम भेषा में है तो लोग जान भी नहीं पा रहे कौन आतंकी है कौन नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो लोग हैं यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब इजराइल चाह रहा है कि अगर आम लोग बाहर निकल जाएं तब वो क्या करे, यहां पे जाके हमला करे, इनको आराम से मारे, लेकिन जब आम लोगों के बीच में छुपे हैं तो मार नहीं सकते। आप देखेंगे जो इजराइल की सेना है ये कहां पर खड़ी है, बाहर खड़ी है, लेकिन ये अंदर नहीं जा रही है क्योंकि इनको पता है कि आम लोगों में है, इधर उधर छुपे होंगे, हम मारे जाएंगे, इसी वजह से हवाई हमले ये कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर नहीं जा पा रहे। एक बार अगर सेना अंदर जा पाए और ये आम नागरिक ना हो तो उनको मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी बात, ये सुरंगें इन्होंने बना ली हैं तो इसकी वजह से ये अंदर जा नहीं पा रहे हैं। तो ये पूरा मामला है और इसी वजह से आतंकवादी जो है उनको ही अपने ही, जिनको बोलते हैं कि हम आपके अपने हैं, ठीक है, हालांकि फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं करता है, अब वो उन्हीं के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इनका कोई जाति धर्म नहीं है, इनको सिर्फ लोगों को मारना है, अपना मकसद पूरा करना है, उसके बदले में चाहे हजारों लोग मर ही क्यों ना जाए। अब दोस्तों हम सबूत के बारे में बात करेंगे जो इजराइल ने पेश किया है, इसको हम समझेंगे कि आखिर इन्होंने क्या पेश किया है, जो ऑडियो लीक था उसको भी हम सुनेंगे और आपको खुद समझ में आएगा कि क्या इजराइल ने हमला किया है या हमास ने हमला किया है, आप खुद ये समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल तैयारी करते हैं, किसी भी चीज में आप काम करते हैं, आप एक चीज देखेंगे, आपका जो माइंड है इतना फास्ट नहीं होता है जितना एक ऑर्डिनरी, मतलब इन अनऑर्डिनरी पर्सन का होता है, जो जीनियस होते हैं जितना दिमाग उनका तेज होता है उतना नॉर्मल इंसान का दिमाग तेज नहीं होता है। वो कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजों को पढ़ पाते हैं, कम टाइम के अंदर वो 4 से 5 गुना से बेहतर कर पाते हैं,
लेकिन रिसर्चर ने पाया कि अगर एक आम इंसान भी फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई करे या कोई काम करे तो उसकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ जाती है, यानी 500% बढ़ जाती है, यानी कि जो काम आप 12 महीने में करेंगे उसे आप मात्र 3 महीने 2 महीने के अंदर कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये कोर्स हम लाए हैं मात्र 299 में, जब आप Flow25 कोड आप यूज करेंगे। यही कोर्स दोस्तों बाहर लाखों करोड़ों रुपए के ये मिलते हैं, मतलब करोड़ों नहीं लेकिन लाखों रुपए के ये पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको बाहर जाके सीखना पड़ता है सिलॉन मेथड को, तो ये सब चीजें वहां पे पड़ती हैं। अब दोस्तों जो सबूत पेश किया गया है, जैसा कि मैंने बताया 5 सबूत थे लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो 3 ही थे, जो मेन है वो 3 है। तो 3 में से पहले हम बात करेंगे जो सबसे जरूरी है, वो है ऑडियो। जो टेररिस्ट थे वहां के जब बात कर रहे थे तो उनकी जो ऑडियो है इन्होंने क्या किया, यहां पे जारी किया, उसको लीक किया और उसको यहां पे सुनाया। तो आप इसको थोड़ा सुनिए, आपको समझ में आएगा आखिर वो क्या है। मैं थोड़ा सा इसको लीक, अब इस हेडलाइन को पढ़ सकते हैं यहाँ पे नीचे। देखा आपने यहाँ पे कि ये इन्होंने बात किया, फिर साइलेंट हो गए, फिर आगे भी बात करेंगे। क्या बात करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने ये बात किया कि जो मिसाइल गिरा था, जो उसका सापनेल था, जो आकार था, वो वहां के लोग बात करने लगे, वहां के जो टेररिस्ट थे जिन्होंने ये हमला किया था उन्होंने खुद ये बात करने लगे कि ये हमारा है। अब दो टेररिस्ट आपस में बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि यार ये तो हमारा है, ये तो शायद हमारा ही मिसाइल दिख रहा है। लोगों को भी ये समझ में आने लगा ये शायद हमारा ही मिसाइल अटैक है, तो लोग इसके बारे में बात करने लगे। फिर इसके बाद जब ये बात आई तो दूसरा बंदा बोला कि दोनों शांत हो गए डर की वजह से। फिर ये आगे बात करेंगे, ओ ये हमारा मिसाइल हमला है, वो हमसे ये गलती हो गई। तो ये पूरी बातें करते हैं, मीन कि यहाँ पे ऑडियो में निकल के आता है कि ये खुद ये मान रहे हैं, खुद ये बातें कर रहे हैं कि जो इन्होंने रॉकेट फायर किया था वो मिस फायर हो गया और वो ये और वो क्या हुआ, वापस आके इनके ऊपर गिर गया, उन हॉस्पिटल के ऊपर यहाँ पे गिर गया। अब दोस्तों जो सबसे जरूरी है, जहां से ये बात निकल के आई, कहां से, अल जजीरा से, जो अल जजीरा न्यूज था उसने कल ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि ये जो फायर हुआ है ये इजराइल के द्वारा नहीं हुआ है, ये उनके ही मिस फायर का है, ठीक है, उनका ही मिस फायर है। और उनके पास क्या था, सबसे बड़ी चीज थी वीडियो। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक रॉकेट है जो फायर हो रहा है यहाँ पे, ये रॉकेट, अब देखिए आप यहाँ पे, अब देखिए वापस आ रहा है ये, ठीक है, ये वापस आएगा, ये देखिए विस्फोट कर गया। तो यहां पे आप देखेंगे आप, तो ये जो रॉकेट था ये अल जजीरा ने क्या किया था, इसको आप देखेंगे यहाँ पे अल जजीरा, ठीक है, इसने क्या किया था, इसने इसको दिखाया था, इसने खुद दिखाया कि किस तरीके से जो रॉकेट थे वो फायर हुए, वो आगे गए, फिर मुड़ के वापस वो आके खुद हॉस्पिटल पे गिर गए। तो यहां भी एक सबूत है जो खुद ये इजराइल दिखा रहा है, अल जजीरा दिखा रहा है कि इनके ही रॉकेट क्या थे, मिसफायर हुए हैं, उस हॉस्पिटल के ऊपर गिरे हैं जिसकी वजह से वहां पर मौतें हुई हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या था दोस्तों, यहां पर फिर इजराइल ने भी इस चीज को यहां पर दिखाया, खुद इजराइल ने यह चीज खुद दिखाई यहां पर, ठीक है, आप देखेंगे कि उन्होंने खुद इस फुटेज को यहाँ पे लॉन्च किया, उसको दिखाया यहाँ पे कि किस तरीके से ये जो रॉकेट है आप देख रहे हैं यहाँ से ये जा रहा है और ये वापस ही मुड़ के क्या होगा कि वापस आ जाएगा और फिर से उन हॉस्पिटल से टकरा जाएगा। तो यहां पे आपने देखा कि ये जो सारे सबूत थे ये पूरी तरीके से दिखा रहे थे कि सिर्फ इजराइल ने हमला नहीं किया है, ये खुद हमास के लोगों ने यहां पे हमला किया। उन्होंने इसके नक्शे भी जारी किए, उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे उन्होंने बंकर बना लिए हैं। तो काफी कुछ वहां से चीजें निकल गई। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि उनके ही लोग हमास के लोगों को रोक रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं ताकि इजरायली सेना उन पर खुले तौर से अटैक न कर सके। तो ये सारी चीजें यहां पे निकल के आई हैं। ये तो दोस्तों आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, पता भी चलेगा नहीं चलेगा इसका, इसकी कोई खबर नहीं है कि किस देश ने रियल में वहां पे हमला किया था। हालांकि लोग एक दूसरे के ऊपर सबूत देंगे, आरोप लगाएंगे, लेकिन अभी ज्यादातर सबूत किसके पास है, इजराइल के पास है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें ताकि आपकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ सके, 500% बढ़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।